जो महिला विधायक के कह रहे हैं, जो महिला शुरुआती थे महिला विधायक, वो महिला से कहना चाहती हैं। जनता का सेवा हमको पहले भी सरकार में रह कर करते थे, आज विपक्ष में तो भी हम जनता की सेवा करेंगे। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी उसकी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। देखिए भैया, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग का उस दिन भी भगोड़ा आदमी के मना कर गया कि उस दिन भी तेजस्वी भैया के हाथ से हम लोग पार्टी में नहीं है, कल से नहीं है। हम लोग का इसमें हमारा बाल भी पक गया। हम लोग नीतीश कुमार को ना बुलाने गए थे, ना हम लोग भगाने गए हैं, ना हम लोग उनको कभी कहा था मेरे साथ आइए, ना उन्होंने कभी कहा जाइए। उनका काम है पलटासन करना, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे। भाजपा के कहे जब राजद में आए तो कहे भाजपा वाला हमारा गाड़ी दे रहा है, हमारा मार रहा है। और चौधरी जी की पगड़ी के बारे में पूछता, उन्होंने कहा था पगड़ी तबे खोलूंगा मैं नीतीश कुमार जी को हटाकर पगड़ी खोलूंगा। अभी सम्राट चौधरी जी बताएं पगड़ी खोलेंगे या बंधी हुई रखेंगे। लालू तेजस्वी के हाथों से सत्ता चली गई है, अब विपक्ष में राजद आ गई है। ऐसे में हम राबड़ी आवाज पर है, राजद नेताओं से बात करें क्या कहेंगे आप, विपक्ष में आ गए तो सत्ता चली गई। अरे जनता का सेवा हमको पहले भी सरकार में रह कर करते थे, आज विपक्ष में तो भी हम जनता की सेवा करेंगे। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी उसकी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। माननीय तेजस्वी जी ने कहा था मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, हमने वो वादा पूरा किया। जब हमारी सत्ता आई तुमने गांधी मैदान में शिविर लगाकर लोगों को होलसेल भाव से नौकरियां बांटी, आगे भी हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने सत्ता छीन लिया आप लोगों से, अब छीन लिए क्या के लिए? हम लोग नीतीश कुमार को ना बुलाने गए थे, ना हम लोग भगाने गए, ना हम लोग उनको कभी कहा था मेरे साथ आइए, ना उन्होंने कभी कहा जाइए। उनका काम है पलटासन करना, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे, उस पर मैं क्या बोलूंगा। भाजपा ने भी दरवाजे बंद किए थे लेकिन खोल दिए और आप लोगों से। अभी भाई मैं सम्राट चौधरी जी की पगड़ी के बारे में पूछता, उन्होंने कहा था पगड़ी तबे खोलूंगा मैं नीतीश कुमार जी को हटाकर पगड़ी खोलूंगा। अभी सम्राट चौधरी जी बताएं पगड़ी खोलेंगे या बंधी हुई रखेंगे। विजय सिन्हा जी ने कहा था ये भ्रष्टाचारी है, नीतीश कुमार जी जेल में जाएंगे, इसका जवाब विजय सिन्हा जी। सुशील कुमार मोदी जी क्या बोलते थे, गिरिराज सिंह जी क्या बोलते थे, अमित शाह क्या बोलते थे, जेपी नड्डा क्या बोलते, इसका जवाब तो वो लोग ना देंगे। अब नीतीश कुमार कह रहे थे सम्मान नहीं दे रहे थे आप लोग, गठबंधन तो बनाया इंडिया, लेकिन देखिए अब इनको पलटासन करने का था, 6 महीना इधर रहना है 6 महीना उधर रहना है, तो इनको सम्मान से क्या लेना देना। ये क्या उन्होंने बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैंने इनके साथ नहीं जाऊंगा, बिहार विधानसभा का इनका बयान है। उसके बाद इनको सम्मान से इनको क्या लेना देना है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। उसके बाद आपकी जो इंडिया गठबंधन बनाया करता, मैं मरना कबूल करूंगा, आपके साथ जाना कबूल नहीं करूंगा, उसके बाद 6 महीना में छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं राजद महिला की, महिला नेत्री है राबड़ी आवाज, क्या कहेंगे आप विपक्ष में आप लोग। देखिए भैया, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग का उस दिन भी भगोड़ा आदमी के मना कर गया कि उस दिन भी तेजस्वी भैया के हाथ से हम लोग पार्टी में नहीं है, कल से नहीं है। हम लोग का इसमें हमारा बाल भी पक गया। तेजस्वी भैया के उस दिन भी मना किया गया कि पलटू चाचा के मत रखा, ये पलटू चाचा ही की हवा कि कभी अन्य पतल चाटेंगे, कभी अन्य पतल चाटेंगे, इनका रीति हो गए बा। इसलिए कि उनको भाग गए, इनके लिए हम उनको बहुत स्वागत करते हैं। उनको कई गो विधायक है, कई गो उनको विधायक है ये बताइए। इसलिए कि नीतीश जी के कहना चाहते हैं कि नीतीश जी आपका आदत हो गया है शिकायत करने के लिए। भाजपा के कहे जब राजद में आए तो कहे भाजपा वाला हमारा गाड़ी दे रहा है, हमारा मार रहा है, अब उसी मर जाएंगी मर जाएंगी, भाजपा में नहीं जाएंगी, ये बोले थे नीतीश कुमार जी। जब हमारे आरजेडी में आए तो हमारे तेजस्वी भैया बोले कि देखिए हमारे साथ यदि आप रहिएगा तो हमारे जनता के काम करना होगा। लोग हमारे, आप इतना दिन से मुख्यमंत्री हैं, क्या किए, कुछ नहीं किए। जो हमारा एक शर्त है कि हमारा जनता के साथ रहना है, तो जो बिना रोजगार है उसको रोजगार देना है, फुटपाथ पर दुकान है। नीतीश कुमार कह रहे कि आप लोग उनका इज्जत नहीं करते थे, वही इज्जत हो रहा है, वही इज्जत हो रहा है। जब गरीब गुड़िया के मांग किया कि गरीब गुड़िया के रोजगार दीजिए, इतने पढ़े लिखे लड़का है उसको नौकरी दीजिए, फुटपाथ पर दुकान है उसको नहीं हटाना है, तो वो भाग गए। जो महिला विधायक के कह रहे हैं, जो महिला शुरुआती थे महिला विधायक, वो महिला से कहना चाहती हैं कि महिला जी आप विधायक न थे, आप और लरवाज कहाँ गया, आज वो है ना जो कहते थे कि लफुआ है नीतीश कुमार, तो आप, हम नहीं बोल रहे लफुआ, वो बोलते थे, कौन बोलते थे भाजपा का विधायक, तो वो लफुआ तो आज आप में चले गए, आज में चलने गए, आज वो नीतीश कुमार जी क्या अच्छा हो गए। इसलिए कहा देना चाहते हैं कि उनके बीबी जो मरी नीतीश कुमार के,
यह हमारा राज दरबार है, लल्लू दरबार है कि उनको इज्जत बचाया। और जब वही विधानसभा में वो महिला रोने लगी तो यह तेजस्वी भैया भी इज्जत बचाए, हमारे राजद के महिला सब इज्जत बचाए, समझ गए ना। इसलिए कह देना चाहते हैं कि देखिए ये मेरा झंडा है, ये झंडा है, ये मेरा झंडा है, अभी आने के काम मत करिएगा, मेरे में जहाँ भी रहिए आप साथ रहिए, ये मेरा लल्लू जी के झंडा है, उड़ता है अब उड़ता रहेगा। नीतीश कुमार फिर आएंगे तो रखिएगा, नहीं कभी नहीं, अभी आएंगे ने तो हमारे राबड़ी माता कहे रहे, लल्लू पिताजी कहे रहे थे, हम लोग धक्का मार के भगाएंगे, आरजेडी के समर्थ सब मार के भगाएंगे, नहीं रहने देंगे। एक बात और बता रहा हूँ कि नीतीश जी 3800 जिला में जो 3800 जिला के जिला अध्यक्ष थे उनसे पूछ के पलटी मारे, उनका काम है पलटी मारना लगातार, किसी भी कार्यकर्ता से पूछ के पलटी मारे हैं। जब इनको विचार होता है मार देते हैं पलटी। इधर आना, लालू जी के यहाँ आने का अब नीतीश कुमार की एंट्री होगी राजद, अब यही बात ना हम कह रहे हैं, तंकासनी समय दीजिए, लालू जी के यहाँ उनका वो आए थे कि लालू जी गए थे उनके यहाँ गए थे, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग सब जान रहे हैं, लालू जी गए थे क्या, तेजस्वी जी गए थे क्या? नीतीश की एंट्री होगी या नो एंट्री? नो एंट्री नहीं, महा एंट्री। देखिए नीतीश कुमार के लिए अब राबड़ी आवास या यूं कहें तो राजद में लालू परिवार के साथ अब नो एंट्री है। और जो कहीं ना कहीं जो राजद के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ से जब सत्ता गई है तो आक्रोशी जरूर है। और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नरेंद्र मोदी, इन तमाम नेताओं से बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो एक दूसरे के खिलाफ खुद गरजते थे और आज गले मिल रहे हैं, जरा सा भी शर्म नहीं है। कहीं ना कहीं राजद के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में सत्ता जाने के बाद जो आक्रोश है वो जरूर दिख रहा है और ऐसे में भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना बोले। सहयोगी अभिषेक के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़ पटना।